Bismillahir Rahmanir Raheem. Assalamu dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE4131. I am Sanar Slan from University of Education, Lurmal campus. Today I will discuss with you about the kinetic art sculpture. काइनेटिक आर्ट और काइनेटिक कानेटिक काइनेटिक आर्ट इज आर्ट दैट डिपेंड्स ऑन मोशन फॉर इट्स इफेक्ट्स इट इज़ आर्ट फ्रॉम एनी मीडियम दैट कंटेन्स मूवमेंट परसीवेबल बाय द व्यूअर अब काइनेटिक आर्ट एक इस तरह का आर्ट है जो कि डिपेंड करता है मोशन के ऊपर फॉर इट इफेक्ट्स यानी कि इसका इफेक्ट ऐसा होगा जैसे किसी चीज़ में हरकत पैदा हो रही है जैसे धुएं का इफेक्ट है जैसे किसी चीज़ के चलने का इफेक्ट है जैसे कि कोई मशीन लाइक -like चीज़ है जिसके चलने से एक मूवमेंट क्रिएट हो रही है इट इज़ आर्ट फ्राम एनी मीडियम टेट कंटेन्स मूवमेंट परसीवेबल बाय द व्यूअर तो यहाँ पर कोई भी आर्ट मीडियम इस्तेमाल हो सकता है और उसके साथ जो है वो जो भी चीज़ बनाई जाती है दैट इज़ परसिवेबल बाय द व्यूअर कैनवास पेंटिंग डेट एक्सटेंड द व्यूअर्स परस्पेक्टिव ऑफ़ द आर्ट वर्क एंड इन कारपोरेट मल्टाई डायमेंशनल मूवमेंट आर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक आर्ट तो कानेटिक आर्ट की अर्लीस्ट टू एग्ज़ैम्पल्स हमारे पास हैं उसमें मल्टाई डायमेंशनल मूवमेंट्स भी शामिल हैं और जो है वो मुख्तु तरीके से व्यूअर्स के लिए जो है वो एक नया परस्पेक्टिव क्रिएट किया गया है आर्ट वर्कस के अंदर वो उसको देख कर जो है वो उसमें मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं थ्री डायमेंशनल स्कल्पचर्स

थ्री डी स्कल्पचर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और उन फिगर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि थ्री डायमेंशनल होते हैं जैसा कि मोबाइल्स मोबील्स डेट मूव नेचुरली और आर मशीन ऑपरेटेड जो कि नेचुरली मूव करें या मशीन ऑपरेटेड हो यानी या तो उनके साथ कोई ऐसी क्रिएटिविटी की जाए कि वो नेचुरली जो है वो उनके अंदर एक मूवमेंट का तासर पैदा हो या फिर कोई मशीन ऑपरेटेड चीज़ हो कि कोई मशीन हो जिसको चलाने से एक मूवमेंट नज़र आती हो मोबाइल स्कल्पचर अ मोबाइल इज़ अ टाइप ऑफ काइनेटिक्स कल्पचर कंस्ट्रक्टेड टू टेक एडवाटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्लिब्रियम तो यहाँ पर जो काइनेटिक्स कल्पचर बनाया जाता है ये प्रिंसिपल ऑफ एक्ब्रियम का जो है वो एडवाटेज लेता है उसको इस्तेमाल करता है और यहाँ पर चीज़ों को हैंग किया जाता है और फिर उन हैंगिंग्स के अंदर डिफरेंट मटीरियल्स या फिर सेम मटीरियल के साथ कुछ जो है वो लटकाया जाता है इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रॉड्स फ्रॉम विच वेटेड ऑब्जेक्ट्स और फर्दर रॉड्स हैंग अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉड्स होती हैं या कुछ रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ वेटेड ऑब्जेक्ट्स या मज़ीद रॉड्स हैंग की जाती हैं तो इस तरह से ये मोबाइल स्कल्पचर या मोबील स्कप्चर जो है वो बन जाता है रेड uh, मोबाइल 1956 फिफ्टी सिक्स एक्गजेंडर कॉल्टर की बनाया गया ये एक स्कल्पचर है जहाँ पर आप इस तरह का देख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपसे पहले ज़िक्र किया कि यहाँ पर रॉड्स uh, जो होती हैं होती हैं और उसके ऊपर वेटेड ऑब्जेक्ट्स हैंग किए जाते हैं तो यहाँ पर आप रॉड्स देख सकते हैं और उसके ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से रेड uh, कलर में कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो लगाया गया है तो uh, इस तरह के जो मोबाइल uh, स्कल्पचर्स होते हैं दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन काइनेटिक आर्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ काइनेटिक स्कल्पचर्स द मूविंग पार्ट्स आर जनरली पावर्ड बाई विंड अ मोटर और द ऑब्जर्वर अब जो मूविंग पार्ट्स हैं वो अमूमन पावर्ड किससे होते हैं विंड से जैसे uh, कि कोई विंड uh, है कोई हवा चल रही है तो उस हवा के चलने से वो मूव करेंगे या फिर कोई मोटर होगी जिसको इस्तेमाल किया जाएगा जब उसको डिस्प्ले किया जाएगा तो मोटर ऑन की जाएगी और उसके साथ कोई क्रिएटिविटी ऐसी होगी जो मोशन क्रिएट करेगी और दो तो ऑब्ज़रवर या फिर ऑब्ज़रवर जो है वो उसको जिस एंगल से देख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग uh, जो है वो उसकी मूवमेंट को अंडरस्टैंड करेगा kinetic art encompasses a wide variety of overlapping techniques and styles तो काइनेटिक आर्ट इस तरह का आर्ट है जिसमें एक बहुत वाइड वैरायटी नज़र आती है ओवरलैपिंग टेक्निक्स की भी और स्टाइल्स की भी इसमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मोशन का हरकत का ता, तासर पैदा किया जाता है और इसमें जो है वो स्टाइल्स भी कई तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं Virtual and apparent movement. Virtual movement, or rather, movement perceived from ओनली सर्टन एंगल्स और सेक्शंस ऑफ द वर्क तो जो वर्चुअल मूवमेंट है वहाँ पर कुछ ख़ास एंगल्स के साथ आप उस मूवमेंट को फील कर सकते हैं हो सकता है कि वो आपको सिर्फ फ़्रंट व्यू से दिखाया जा रहा है और उस जानब से ही उसमें एक मूवमेंट का तसुर हो सकता है कि वो सिर्फ साइड व्यू से हो तो कुछ सर्टन एंगल्स या फिर सेक्शनस उस काम के ऐसे होते हैं जहाँ से उस मूवमेंट के बारे में पता चलता है या वो खास सेक्शन जो हैं वो उनमें मूवमेंट होती है अपारेंट मूवमेंट विच मैनी पीपल यूज़ वेन रेफरिंग टू एन आर्ट वर्क हुज़ मूवमेंट इज़ क्रिएटेड बाई मोटर्स मशीन्स और इलेक्ट्रिकली पावर्ड सिस्टम्स तो अपारंट मूवमेंट जो है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आर्ट वर्कस में और वहाँ पर जो मूवमेंट है वो मोटर्स मशीन्स या फिर इलेक्ट्रिकली पावर्ड सिस्टम्स के साथ क्रिएट की जाती है कोई मशीन अटैच होती है उस स्कल्पचर के साथ उस वक्त उस आर्ट पीस के साथ और उस मशीन के साथ उसमें मूवमेंट क्रिएट की जाती है उस मूवमेंट में से हो सकता है उसमें से कोई चीज़ निकल रही हो, हो सकता है उस चीज़ के साथ एक घूम रहे घूम रहा हो कोई पंखे की की तरह की कोई चीज तो इस तरह के जो स्कल्पचर्स हैं उनको काइनेटिक आर्ट कहा जाता है काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर्स कहा जाता है ऑप आर्ट बोथ अपारेंट एंड वर्चुअल मूवमेंट आर स्टाइल्स ऑफ काइनेटिक आर्ट अभी मैंने आपसे जो दो स्टाइल्स डिस्कस किए हैं जिनमें से एक अपारेंट है और दूसरा वर्चुअल है और एक ऐसा स्टाइल है जिसमें किसी मशीन की मदद से कोई मूवमेंट पैदा की जाएगी और दूसरा स्टाइल जो अपेरेंट है उसके अंदर जो है वो किसी ख़ास जगह से आप खड़े होकर उसकी मूवमेंट फील कर सकते हैं या फिर स्कल्पचर पीस में किसी ख़ास एंगल पे जो है वो आ, किसी खास सेक्शन में वो मूवमेंट मौजूद होगी तो ये दोनों स्टाइल्स जो हैं वो कानेटिक आर्ट में शामिल होंगे द अमाउंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन कानेटिक एंड ऑप आर्ट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इनाफ़ फॉर आर्टिस्ट एंड आर्ट हिस्टोरियंस To consider merging the two styles under one umbrella term, but there are distinctions that have yet to be made. The so, up op art. और काइनेटिक आर्ट दोनों को क्या मिक्स किया जा सकता है या नहीं क्या वो दोनों एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ सकते हैं या नहीं तो नहीं यहाँ पर कुछ डिस्टिंगशनस हैं जो कि मौजूद होनी चाहिए और जो मौजूद हैं तो इस वजह से हम दोनों को सिमिलरली नहीं लेंगे इफ़ आई टॉक अबाउट द ऑफ आर्ट तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर एल्यूजनस नज़र आते हैं एल्यूजन uh, क्रिएट होता है सारे वर्क के अंदर और उसमें भी मूवमेंट का तासर आता है अब क्यों आर्ट की बात जो है वो काइनेटिक के साथ की जा रही है इसीलिए की जा रही है क्योंकि काइनेटिक के अंदर भी आपको मूवमेंट का तसुर नज़र आता है और ऑप आर्ट में भी वो मूवमेंट इल्यूज़न के ज़रिए नज़र आती है बट देयर आर डिस्टिंगशंस दैट हैव दैट हैव येट टू बी मेड डिवलपमेंट ऑफ काइनेटिक आर्ट काइनेटिक आर्ट एज अ मोनिकर डिवेलप्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज तो काइनेटिक आर्ट इट्स जो है वो बहुत से सोर्सेस से मिल बनता है काइनेटिक आर्ट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लेट नाइन्टीन सेंचुरी इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट सच एज़ क्लॉड मोने, एडगर डैगा एंड एडवर्ड माने हु ओरिजिनली एक्सपेरिमेंटेड विद एक्सेंचुएटिंग द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन फिगर्स ऑन कैनवस तो काइनेटिक आर्ट काफ़ी ज़मानों से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे हमें जो तीन आर्टिस्ट हैं जो इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं उनके काम में वो मूवमेंट नज़र आती है मूवमेंट ऑफ ह्यूमन फ़िगर ऑन कैनवस नज़र आती है और वो तीन इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो तीन आर्टिस्ट हैं वो हैं क्लॉड मोने एडगर डेगा एंड एडवर्ड माने नॉम गाबो बाय द अर्ली नाइनटीन हंड्रेड्स सर्टन आर्टिस्ट ग्रीव क्लोज़र एंड क्लोज़र टू एस्क्राइबिंग दर आर्ट टू डायनमिक मोशन तो 1900 हंड्रेड के अर्ली टाइम पीरियड्स में आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के अंदर डायनामिक मोशन दिखाने लगे एक बहुत मशीन लाइक आर्ट प्रोड्यूस किया जाने लगा इवन पेंटिंग्स में भी और स्कल्पुर फार्म में भी एक मूवमेंट जो है वो उसका तसर बढ़ता गया Norm Gabo, one of the two artists attributed to naming this style, wrote frequently about his work as examples of kinetic rhythm. So, Norm Gabo, who is artist, maybe he is attributed to name this style and wrote frequently about his work as examples of kinetic rhythm. He felt that his moving sculpture, kinetic construction, ऑल्सो डप स्टैंडिंग वेव तो उनका जो एक स्कल्पचर है काइनेटिक कंस्ट्रक्शन और उसको स्टैंडिंग वेव भी कहा जाता है नाइनटीन नाइनटीन से ट्वेंटी जो है इसका टाइम पीरियड है वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वेंटी एथ सेंचुरी तो ट्वेंटी सेंचुरी में अपनी नोयीत का यह पहला स्कल्पचर था फ्रॉम द नाइनटीन ट्वेंटीज़ अन्टिल द नाइनटीन सिक्सटीज़ द स्टाइल ऑफ काइनेटिक आर्ट वॉज रीशेप्ड बाई अ नंबर ऑफ अदर आर्टिस्ट हुआ एक्सपेरिमेंटेड विद मोबाइल्स एंड न्यू फॉर्म ऑफ स्कल्पचर तो नाइनटीन ट्वेंटीज के बाद उसके बाद का सारा टाइम पीरियड अंटिल द नाइनटीन सिक्सटीज़ वो सारा स्टाइल जो काइनेटिक आर्ट में शामिल होता है इट वॉज़ रीशेप्ड और बहुत से आर्टिस्ट में आर्टिस्ट ने इसके अंदर इनोवेशन की इसमें मुख्तु तरीके से काम किया एक्सपेरिमेंट्स किए और न्यू फॉर्म्स ऑफ स्कल्पचर्स प्रोड्यूस कि काइनेटिक कंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग वेव जिसका अभी जिक्र किया मैंने आपको कि ये नॉम गाबो आ, का वर्क है 1919 नाइनटीन टू ट्वेंटी और रेप्लिका इसकी जो है नाइन्टीन एट्टी फाइव में बनी है सो यहाँ पर इस स्कल्पचर को गौर से देखिए और फिर मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ काइनेटिक कंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग वेव मकैनिकल स्कल्पचर की एग्जाम्पल है कंसिस्ट ऑफ अ प्लेन स्टील रॉड इमर्जिंग फ्रॉम अ स्मॉल ब्लैक वुडन बेस अब एक प्लीन प्लेन स्टील रॉड है जो कि ब्लैक वुडन बेस में से निकल रहा है उसमें से मार्ज हो रहा है और उसमें मूवमेंट देखिए किस तरह क्रिएट की गई है नाउ इन केस फॉर प्रोटेक्शन इन अ क्लियर एक बॉक्स वेनएक्टिवेटेड बाय द प्रेस ऑफ अ बटन द मशीन स्प्रिंग्स टू लाइफ थ्रू द रेपिड ऑसीलेशंस कॉज बाई अ हिडन इलेक्ट्रिक मोटर इन द बेस इट फॉर्म्स द एल्यूजन ऑफ अस्ली ट्विस्टिंग थ्री डायमेंशनल शेप तो एक इसके अंदर जो है वो एक बटन है जिसको जब आप प्रेस करते हैं तो उसके बाद ये मूवमेंट दिखती है इसके अंदर और एक थ्री डायमेंशनल शेप के साथ एक एल्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है स्टैंडिंग वेव इसको कहते हैं क्योंकि इसको देख के ऐसा लगता है जैसे स्टैंडिंग वेव है कोई जो कि लहर की सूरत में घूमती है सो वट इज़ द बेसिक ऑफ द कानेटिक्स कल्पचर मूवमेंट एज ऑफ अ मोटर ड्राइवन पार्ट और अ चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज़ अ बेसिक एलिमेंट तो मूवमेंट बेसिक एलिमेंट है कायनेटिक्स कल्पचर के अंदर जैसा कि मोटर ड्राइवन पार्ट हो और अ चेंजिंग एलेक्ट्रॉनिक इमेज के कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज हो जो कि चेंज हो रहा हो और मूवमेंट उसमें शो हो रही हो तो बेसिकली मूवमेंट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ काइनेटिक्स कल्पचर in the 20th century the use of actual movement kineticism became an important aspect of sculpture the so 20th century may be an important aspect bangiya or zadatat sculptures may movement nazaratiha naum gabo naum gabo marshall Duchamp, Laszlo moholy nagy and alexander calder were pioneers of मॉडर्न कानेटिक्स स्कल्पचर सो ये सब लोग जो हैं वो ये पाइनियर्स है जिन्होंने मॉडर्न कानेटिक्स स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा काम किया काइनेटिक्स स्कल्पचर लाइमेन विट विटकर का एक स्कल्पचर है जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है यहाँ अगेन आपको नजर आएगा कि किस तरह से रॉड्स हैं और फिर रॉड्स के साथ जो है वो उसके आगे जो है वो कोई भी मटेरियल लगा कर उसको कंप्लीट फॉर्म दी गई है मूवमेंट इन स्कल्पचर्स न्यूमरस वेराइटीज ऑफ द जानवे इंक्लूड स्कल्पचर्स हुज कॉम्पोनेंट्स आर मूव्ड बाई एयर कारंट्स एज इन द वेल नोन अब इसमें इस तरह के कॉम्पोनेंट्स भी शामिल हैं जो कि एयर कारंट्स के साथ मूव करते हैं एज इन द वेल नोन मोबल्स ऑफ कार्टर बाय वाटर बाय मैग्नेटिज्म द स्पेशलिटी ऑफ निकोलस टैकेस तो वाटर के साथ मैग्नेटिज्म के साथ इस तरह का काम जो वो निकोलस टैकेस के स्कल्पचर्स में नज़र आता है बाय इलेक्ट्रो मकैनिकल डिवाइसिस उनके साथ इसमें मूवमेंट क्रिएट हो सकती है बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्पेक्टेटर हिमसेल्फ़ और बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्पेक्टेटर कि वो उसको आ, किस नज़रिए से देख रहा है किस एंगल से देख रहा है या वो खुद क्या जो है वो उसको मे बी उसको वो कोई ऐसा हो कि बटन प्रेस करना है और फिर उसकी मूवमेंट होगी या उसको टच करने से आ, जो है वो कोई उसमें से आवाज़ आएगी या मूवमेंट क्रिएट होगी तो ये सारी चीज़ें जो है वो काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर्स में नज़र आती हैं वर्कस ऑफ जीन टेंगुले द न्योर डाडा सेटरिक सेटारिक क्वालिटी ऑफ द कानेटिक स्कल्पचर created during the 1960s is exemplified by the works of Jean Tanguelet. His self-destructing homage to New York perfected the concept of a sculpture being both an object and an event or happening. तो वर्क्स ऑफ जीन टेंगुले जो है वो बहुत फेमस हैं और उन्होंने जो एक स्कल्पचर बनाया है होमेज टू न्यूयॉर्क परफेक्टेड इड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्कल्पचर बींग बोथ एन ऑब्जेक्ट एंड एन इवेंट तो इनका ये स्कल्पचर जो है वो ये दोनों चीज़ों पर पूरा उतरता है इट शोज एन ऑब्जेक्ट एंड एन इवेंट और हैपनिंग हेयर इज द पिक्चर ऑफ दैट स्कल्पचर होमेज टू न्यूयॉर्क जेन टेंगुले नाइनटीन सिक्सटी काइनेटिक आर्ट है और जान रहे इसका परफॉर्मेंस सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ आर्ट एंड इट ऑल्सो हैज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स Swiss artist Jean Tinguely was best known for his 1960 performance piece entitled "Homage to New York"। तो ये जो भी आपने स्क्रीन uh, पे देखा था a piece of art, "Homage to New York" इसकी वजह से ही is best known। ये जो artist हैं ये इसकी वजह से best known हैं और ये जो वो 1960 में इसको बनाया गया, इस वर्क involved the self destruction of a huge sculpture इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एट द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू यॉर्क तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू यॉर्क में एक बड़े से स्कल्पचर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया गया इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस कोलेबोरेट विद अदर आर्टिस्ट इंजीनियर्स इंजीनियर्स अमंग अमंगदम बिली क्लोवर एंड रॉबर्ट रोशनबर्ग तो ये लोग भी इसके साथ जब वो इनकी कोलेबोरेशन थी ही प्रोड्यूस्ड अ सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मैकेजम दैट परफॉर्म्ड फॉर ट्वेंटी सेवन मिनट्स ड्यूरिंग अ पब्लिक परफॉर्मेंस फॉर इन्वाइट गेस्ट तो उसने जो स्कल्पचर क्रिएट किया था वो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन मिनट्स तक उसने परफॉर्म किया और एक पब्लिक परफॉर्मेंस हुई फॉर द इन्वाइट गेस्ट द पब्लिक क्रॉस द रेमनेंस ऑफ द मशीन फॉर सोवेनियर्स टू टेक होम तो उसके बाद उसके जो पार्टिकल्स थे उसके जो पार्ट्स थे द पब्लिक वॉज सो इंटरेस्टेड इन टू डैट कि वो उसके पार्ट को भी एज अ सोवेनियर जो है वो दॉटेड टू टेक दैट होम इट वॉज़ लेटर डिस्ट्रॉयड अलेक्जेंडर कार्टर द एम ऑफ मोस्ट काइनेटिक्स स्कल्प्टर्स इज़ टू मेक मूवमेंट इट सेल्फ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द स्कल्पचर तो काइनेटिक स्कल्पचर के अंदर जो एक बात मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मूवमेंट जो है वो बेसिक एलिमेंट है कार्डर्स मोबाइल्स फॉर एग्जाम्पल डिपेंड फॉर देर एस्थेटिक इफेक्ट ऑन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्नस ऑफ रिलेशनशिप टेकिंग प्लेस थ्रू स्पेस एंड टाइम तो स्पेस एंड टाइम के अंदर जो है वो चेंजिंग पैटर्नस ऑफ रिलेशनशिप आपको नजर आएंगे काल्डर्स के काम काल्डर के काम में अलूमिनियम लीवस रेड पोस्ट अलेग्जेंडर कार्लर का बनाया गया वर्क है जैसे आपने पहले देखा कि रॉड के साथ हैंगिंग्स मौजूद होती थी तो ये भी उसी टाइप से रिलेटेड स्कल्पचर पीस है मीडियम्स यूज फॉर काइनेटिक स्कल्पचर्स आप काइनेटिक्स कल्पचर्स को बनाने के लिए कौन कौन से मीडियम्स इस्तेमाल किए जाते रहे हैं शो मूवमेंट जिनके जरिए मूवमेंट शो होती है वेन लिक्विड्स एंड गैसेज आर यूज एज कॉम्पोनेन्ट्स द शेप्स एंड डायमेंशनस ऑफ द स्कल्पचर मे अंडर गो कॉन्टिनल ट्रांसफॉर्मेशन तो अगर किसी लिक्विड या गैस का इस्तेमाल किया जाए हरकत को दिखाने के लिए तो जाहिर है कि इस तरह का जो स्कल्पचर है उसमें एक कॉन्टिनल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी द शेप एंड डायमेंशन ऑफ द स्कल्पचर मे अंडर गो कॉन्टिनअल ट्रांसफॉमेशंस तो इसकी जो शेप है और जो इसकी डायमेंशन है वो कंटिन्यूअस्ली चेंज हो सकती हैं द मूवमेंट ऑफ स्मोक अगर स्मोक के साथ कोई इफेक्ट क्रिएट किया गया है तो उसमें मूवमेंट होगी द डिफ्यूजन एंड फ्लो ऑफ कलर्ड वाटर मर्करी ऑयल मैसेज ऑफ बबल्स चेंजिंग पैटर्नस ऑफ लाइट इन स्पेस तो इन सारी चीज़ों के जरिए काइनेटिक स्कप्चर्स में मूवमेंट दिखाई जाती है Here are some of the sources that if you want to know more about the kinetic art or kinetic sculpture uh, So you can take help from these sources Okay at the very end I will assign you a work That you make a kinetic sculpture In movement creator. Uh, और ये जो काइनेटिक आर्ट का आप जो स्कल्पचर बनाएंगे इसका साइज अप्रोक आप वन फीट के राउंड कर लीजिए और ये आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने जो है वो इवन यू कैन मेक अ स्कल्पचर ऑफ सिक्स इंचेस तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने सिक्स इंचेस से लेकर वन फीट तक का एक स्कल्पचर बनाना है जो कि काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर की जो uh, के ऊपर पूरा उतरता हूँ सिक्स इंचेस से लेकर वन फीट का मैंने इसलिए कहा क्योंकि मे बी इस टाइम पे आपको अगर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है या आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनके साथ आप जो है वो एक बहुत अच्छा स्कल्पचर क्रिएट कर सकते हैं सो बेस्ट ऑफ लक होपफुली आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और कैनेटिक आर्ट स्कल्पचर के बारे में जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि ये मूवमेंट से रिलेटेड है इसमें मूवमेंट नज़र आती है कुछ आर्टिस्ट हमने देखे कि उनका काम किस तरह का है और उसके अलावा हमने जो है वो कुछ तस्वीरें देखी कि जो काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर है वो किस तरह का बनाया जाता है और हमने आज ये भी पढ़ा कि इसके अंदर किस किस तरह से मूवमेंट क्रिएट की जा सकती है वाटर फ्लो के साथ स्मोक के साथ तो आपने अब एक स्कल्पचर पीस क्रिएट करना है जिसमें आप मूवमेंट दिखाएंगे ठीक है वो मूवमेंट जो है वो आप मार्शल डुशाफ के काम जैसी भी दिखा सकते हैं ठीक है जहाँ पे आप पार्टिकल्स को जोड़ के और फिर उसके साथ कोई काम में भी प्रेजेंट कर दें तो जो है वो विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टे ब्लेस्ड एंड ट्राई टू डू योर असाइनमेंट इन टाइम गॉड ब्लेस यू अस्सलाम वालेकुम